उत्तराखंड में बीते देर रात से शुरू हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से जोशीमठ में दोहरी मुश्किल पैदा हो गई है। बारिश के कारण जल बहाव बढ़ने से जहां वैज्ञानिकों के सामने चिंता पैदा हो गई, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए नई दिक्कतें खड़ी हो गई। बर्फबारी से सर्वे का काम धीमा हो गया और ध्वस्तीकरण रोकना पड़ा। जिन दरार ग्रस्त घरों से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया, उनका सामान बारिश और बर्फबारी से भीग गया। नगर पालिका के राहत कैंप में रह रहे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। जहां पहले दीवारों के कारण ठंडी हवाओं से सुरक्षा होती थी, वहीं घरों की दरारें चौड़ी हो जाने से अब सीधा घर में हवाएं आ रही हैं। वहीं पशुओं को चारा देने अपने पुराने घर की गौशालाओं में लोग जाते थे, लेकिन मौसम खराब होने से चारे का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बर्फ की वजह से रास्ता बंद हो जाने की कारण आपात स्थिति में बाजार आना जाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम लोगों को और परेशानी में डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में ठंड में भारी इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त की बात करें तो तापमान में गिरावट महसूस की गई है। पर्वतीय इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं कई क्षेत्रों में बरसात भी हो रही है, जिस वजह से ठंड में बेहद इजाफा हो रहा है। इस बीच जोशीमठ के लोगों के लिए बर्फबारी और बरसात सैकड़ों मुसीबतें लेकर आ रही है। लोग अपने अपने घरों से दूर अपने परिवार के साथ राहत शिविर में रहने पर मजबूर हैं और इस ठिठुरती हुई ठंड में वहां दिन गुजार रहे हैं। सभी लोगों के लिए नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जिन लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया था, उनका सामान बारिश और बर्फबारी से अब खराब हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने समूचे प्रदेश में 24 जनवरी से एक बार फिर से ठंड में भारी इजाफा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी से उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 24 से 28 जनवरी तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बरसात होगी और पर्वतीय इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के कई इलाकों में बारिश और उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी होगी, तो वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत, हरिद्वार में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।